हेलो फ्रेंड्स, बीसीटी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। हुआवे की सब ब्रांड ऑनर ने अपना ऑनर 9 चाइना मार्केट में लॉन्च कर दिया है। आइए देखते हैं कि क्या है इस फोन की कॉन्फ़िगरेशन और किस प्राइस सेगमेंट में आपको ये मिल रहा है। अगर आपने अभी तक बीसीटी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीटी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। तो बात करते हैं यहाँ पर ऑनर 9 की। तो ये फोन लास्ट ईयर जो ऑनर 8 आया था उसी का अपग्रेडेड वर्जन है, बट यहाँ पर काफी सारी इम्प्रूवमेंट की गई है। जैसे कि अब जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपका फ्रंट साइड को है, होम बटन में इम्बेडेड है, ओवल साइड का आपको ये फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, जबकि जो ऑनर 8 था उसमें रियर माउंटेड था। ऐसी और भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट की गई हैं, तो आइए देखते हैं कि क्या है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ऑनर 9 में है 5.15 इंच का एक फुल HD IPS डिस्प्ले, 2.5D कर्व ग्लास से ये प्रोटेक्टेड है। परफॉर्मेंस के लिए इसके अंदर दिया गया है हाई सिलिकन का एक ऑक्टा कोर CPU क्रिन 960, जिसकी 4 कोर चल रही हैं 2.4 GHz पर और रिमेनिंग 4 1.8 GHz पर। बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए इसके अंदर दिया गया है माली G71। 3 ऑप्शंस में आपको ये फ़ोन मिलेगा, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, 6GB रैम, 64GB स्टोरेज, 6GB रैम, 128GB की स्टोरेज। और यहाँ पर स्टोरेज को आप फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो 256GB का माइक्रो SD कार्ड लगा के। ड्यूल सिम सपोर्टेड ये फ़ोन है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, मतलब कि आप एट ए टाइम या तो 2 सिम लगा लीजिए या फिर एक सिम के साथ एक SD कार्ड। फोटोग्राफी के लिए इस फोन के अंदर दिया गया है 2 रियर कैमरा, मोनोक्रोमेटिक है 20 मेगापिक्सल का और RGB सेंसर है 12 मेगापिक्सल का। RGB सेंसर में आपको मिल जाएगा f2.2 अपर्चर वाला एक लेंस, फेस डायरेक्शन ऑटो फोकस के साथ ये आता है, ड्यूल टोन LED फ्लैश भी है और 2x की आपको यहाँ पर ऑप्टिकल जूम मिल जाएगी। सेल्फी के लिए इस फोन के अंदर दिया गया है 8 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर वाला सेल्फी कैमरा, जो कि आपको यहाँ पर फुल HD मतलब कि 1080 पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। EMUI 5.1 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगी, जो कि आपका नॉगेट बेस्ड UI है। हुआवे पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, जिसके जरिए आप यहाँ पर वेरियस ग्रोसरी में जाके पेमेंट कर सकते हो, कहीं पे भी जाके पेमेंट कर सकते हो। हालांकि इंडिया में क्या सिनेरियो इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। ड्यूल बैंड वाईफाई है, NFC, GPS, ग्लोनेस, 3G, 4G सबको ये सपोर्ट करेगा। USB-C टाइप पोर्ट है, 3.5mm का हेडफोन सॉकेट भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। 3200mAh की बैटरी है, 7.45mm इस फोन की थिकनेस है, 155g इस फोन का वेट है। तो फिलहाल यहाँ पर ऑनर 9 चाइना में लॉन्च हो चुका है, ये तो होगी इस फोन की कॉन्फ़िगरेशन। आइए अब इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 वेरिएंट है, 4GB रैम वाला जिसके साथ आपको मिल जाएगी 64GB की इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइस यहाँ पर रखी गई है ₹22,000, और दूसरा वेरिएंट है 6GB की रैम, 64GB की स्टोरेज, जिसकी प्राइस है ₹26,000, और तीसरा वेरिएंट 6GB की रैम और 128GB की स्टोरेज और उसकी प्राइस है ₹28,500। तो फिलहाल ये 3 वेरिएंट आपके यहाँ पर 16 जून से मतलब कि फ्राइडे से चाइना में बिकने शुरू हो जाएंगे। तो आप क्या सोच रहे हो इस फोन के बारे में? मेरा ओपिनियन तो यही है कि अगर इसी प्राइसिंग में ये इंडिया में लॉन्च होता है तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहेगा और आपको यहाँ पर हुआवे जैसी ब्रांड का भी भरोसा मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा ओपिनियन यही है कि ये फ़ोन ठीक है। आप क्या सोच रहे हो इस फोन के बारे में? अपना ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करना। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।